फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं अभी मेरे पास आ गया है गर्मा गर्म पिज़्ज़ा, वो भी फ्री का। फ्री का पिज़्ज़ा खाना किसको पसंद है ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं पहले खाने के लिए निकाली थी, लेकिन बच्चे स्कूल से आए नहीं थे, तो फिर सोचा जब बच्चे स्कूल से आएंगे तभी साथ में खाया जाएगा। और वैसे आज मेरा फास्ट था, वैसे भी मैं शाम को खाती तो मैं खा लेती हूँ फास्ट में शाम को, तो फिर रख दिया था। और उसके बाद बच्चे स्कूल से आ गए, उन लोगों ने अपना पिज़्ज़ा भी ख़त्म कर दिया, मैंने वीडियो नहीं शूट किया। और ये दो पीस मेरे लिए बचाए थे बच्चों ने, तो मेरा रात में जब फास्ट हो गया था पूरा तो तब मैंने खाया था। तो ये है पनीर पिज़्ज़ा, वो मेरा भतीजा आया था तो लेकर आया था, तो उस वो वीडियो में बिल्कुल आना पसंद ही नहीं करता, तो फिर मैंने उसको नहीं दिखाया। तो चलिए खा लेते हैं अभी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, सुबह का काम करके मैं लेट गई थी, मतलब आधे एक घंटे से मैं लेटी थी। और मैंने कहा अभी उठी हूँ, सोई नहीं थी, हाँ फ़ोन ही देख रहे थे, सोए नहीं थे। तो आज मैंने एक हेयर स्टाइल बनाई थी, ये देखिए, और ये मैं जब लेट गई तो एकदम बेकार हो गई, ये देखिए। बस ऐसे ऐसे करके बनाए थे, जैसे देख सकते हैं कि ये वाली बनाई, यहाँ पर पिन लगा दिया यानी चिमटी लगा दी, और एक ऐसे बनाई थी यहाँ पे लगा, ऐसे ही इधर भी बनाया था, तो जब लेटे तो पूरा ख़राब हो गया। बहुत नहीं जैसी लग रही, मतलब अजीब बेकार हेयर स्टाइल मेरी बन गई है, देखिए यहाँ तक पूरा बेकार हो गई। तो फ्रेंड्स, अभी एक घंटे बाद उठे हैं, तो चलते हैं देखते हैं कुछ। वो जो कामों का काम तो बहुत ज़्यादा होता है, बस सुबह काम करने के बाद थोड़ा आराम करने लगते हैं। तो चलिए अभी उठेंगे नहीं, थोड़ा फ़ोन का काम है, एक दो जाते हैं सॉल्ट डाल देंगे, और फिर जब बच्चे आएंगे तभी उठते हैं, तब तक तो अपना आराम करते हैं। उसके बाद फिर काम स्टार्ट हो जाता है, बच्चों को खाना वगैरह देना, फिर कपड़े रखना, इधर उधर फेंक देते हैं तो उनको रखना, फिर शाम का टाइम हो ही जाता है। और आज बनाएंगे दाल के फरे, जो दाल पीस के बनते हैं फरे, वो वाले बनाऊँगी, तो उसमें भी टाइम लगता है, तो बच्चे आ जाएंगे उसी के बाद दाल वगैरह पीस के फिर बनाना स्टार्ट कर दूँगी, है ना, 4 बजे से बनाना स्टार्ट कर दूँगी, पहले नहीं करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आराम कर लेते फिर आपको। तो अभी बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनको खाना वगैरह दे दिया, उसके बाद देख सकते हैं मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए थे, तो मैंने सोचा फिर चलो वैसे ही हेयर स्टाइल कर लेती हूँ, तो फिर मैं बनाने लगी थी। तो देख सकते हैं अभी मैं शीशे में देख देख कर अभी इधर बना रही हूँ, और मैंने ट्राईपॉड भी सेट कर दिया, मैंने कहा चलो इसका व्लॉग भी बना लेते हैं, अच्छी लगी हेयर स्टाइल तो मैंने कहा दिखा देते हैं। आप लोग भी ऐसे ही सिंपल, जैसे हम लोग अपने मन से कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बना पाते, लेकिन ये ऐसी हेयर स्टाइल है कि हम लोग अपने मन से ही बना सकते हैं, दूसरों से बनवाने की ज़रूरत नहीं। हम लोगों का मन करता है हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन बदल बदल के हेयर स्टाइल करें, लेकिन कर ही नहीं पाते, कोई पास में होता ही नहीं कि किसी से बनवा ले। तो इस तरह की ये वाली हेयर स्टाइल तो बना ही सकते हैं सभी लोग, तो वही मैंने सोचा चलो दिखा देते हैं, सबके मन में भी ऐसे आइडियाज़ आ जाए कि हाँ चलो ठीक है मैं भी ऐसे ही कर लेती हूँ, कर लिया करूँ यानी, तो सब लोग भी ऐसे ही जिसको पसंद हो तो बना लिया करें। मुझे भी कभी कभी मन करता है, लेकिन मैं अपने मन से बिल्कुल नहीं बना पाती, लेकिन ये वाली थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया कि हाँ मैं कर सकती हूँ, अपने मन से बना सकती हूँ। तो फर्स्ट टाइम इस तरह की बनाया था, थोड़ा सही नहीं बनी थी, लेकिन ऐसे बनाने लगूँगी अपने मन से तो फिर आ जाएगी। और शगुन के वैसे भी मैं हेयर स्टाइल बहुत अच्छे अच्छे बना लेती हूँ, मैं दूसरों के बना लेती हूँ, अपने ऊपर नहीं कर पाती, मतलब अपने बालों पर नहीं मैं बना पाती अपने मन से, दूसरों के तो बना लूँगी। तो देखिए ये देखिए कैसी लगी, ये देखिए मैंने बनाया, कैसा लगा जरूर बताइएगा आप लोग, मुझे तो प्यारा लगा, आप लोग भी बताइए। और मैंने स्वेटर निकाल दिया है, मतलब स्वेटर पहनने लगी हूँ मैं, इसको आप खुला करना चाहे खुला करें, छोटी करना चाहे छोटी करें, मैं तो ऐसे एक क्लेचर लगा लेती हूँ बस। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के बजे हुए 4, और 4 बजे अभी मैंने जो है दाल भिगोई थी उसको भी पीस के रख दिया है, मसाले भी भून के रख दिए हैं, उसको पीसना है क्योंकि मिक्सी ख़राब है, तो सिलबट्टे पे ही पीसना है। और अभी मैं जाती हूँ छत पे पहले, और गुड़ाई करना है गमलों की, क्योंकि बहुत दिनों से की नहीं थी, तो गुड़ाई करके पानी डालना है। तो चलते हैं छत पे और दिखाते हैं, कर लेते हैं गुड़ाई, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए अभी यहाँ ये गुलाब, इसमें भी गुड़ाई कर दिया, और इसमें गेंदे के फूल डाले हैं, मैंने सोचा शायद निकल ही आए, देखते हैं।
पौधे जमते हैं कि नहीं। और इसमें ये देखिए बहुत पहले की मतलब मैंने गुलाब लगाए थे तो ये वाला भी चल गया। और ये जो है मेरा आंवले का पेड़ टूट गया था, बाहर लगा था तो उसकी डंडी सिर्फ मैंने लगा दी थी, देख सकते हैं आंवले का भी चल गया। और ये देखिए ये गुलाब भी चल गया, ये गुलाब भी चल गया, ये देखिए ये निकल गए और ये सारे गुलाब इसमें चल गए, ये सिर्फ अभी नहीं चला है। तो ये देखिए इसमें भी निकल गए। और वो नीम का पेड़ भी मैंने लगाया है, वो भी चल गया है। तो यहाँ धूप की मैंने कर दी, उसकी तो बहुत ही आराम से की है, कटते नहीं बन रहा। और यहाँ भी मैंने कर दिया है इन दोनों की, क्योंकि ये दोनों भी जल्दी लगाए थे तो इसलिए छाया में रखना था, तो नीचे ही रखे, नहीं तो बाद में इनको भी छत में कर दूँगी। तो इनकी भी गुड़ाई कर दिया। ये देखिए ये गुलाब भी चल गया, ये देखिए ये भी गुलाब चल गया और ये भी शायद चल जाएगा, अभी चला तो नहीं है, शायद चल भी सकता है। तो ये देखिए इसमें भी गुलाब के ये देखिए पत्तियां निकल रही हैं। तो ये तो मैंने कर दिया, और छत पे चलते दिखाते हैं। ये देखिए ये दो पेड़ यहाँ टीने में टांग दिए मैंने, ये देखिए ये वाले। और ये देखिए इसकी भी गुड़ाई कर दी है, ये देखिए गुड़ाई अच्छी तरीके से हो गई है। ये देखिए गुड़ाई करके इसमें जो है पानी डाल दिया है, अभी गुड़ाई किया और उसके बाद पानी डाल दिया है। ये देखिए सब में गुड़ाई करके पानी डाल दिया है। और इधर ये देखिए ये है टमाटर के पेड़, टमाटर में भी गुड़ाई कर दिया मैंने, ये देख सकते हैं ये टमाटर, ये देखिए इसमें भी गुड़ाई कर दिया है। इसमें पानी जिसमें थोड़ा बहुत था उसमें पानी नहीं डाला है, ये देखिए अभी पानी डाली हूँ। और इसमें भी पानी था, और इसमें ये देखिए गुड़हल का रेड कलर का फूल निकल रहा है, बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी छत का काम करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में मुझे आज फरे बनाने, तो पीस के पहले ही रख दिया था, मिर्च मसाले वगैरह सारा मिक्स कर दिया था, अभी बस सिर्फ धनिया डाल के और बस बनाना स्टार्ट कर देना है। और इतनी ज़्यादा देर हो गई थी, फिर मैं यहाँ पे कुछ नहीं शूट कर पाई उसके बाद, और डायरेक्टली देख सकते हैं मिल रही हूँ आप लोगों को। खाने के समय बन गए हैं फरे गर्मा गर्म, मुझे चटनी के साथ चाय के साथ बहुत पसंद है। आप लोगों को किसके साथ खाने में फरे अच्छे लगते हैं ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छे लगते, चटनी के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते। और मैं जब भी बनाती हूँ बड़े फरे बनाती हूँ, बाद में उसको कट कर देती हूँ। तो देख सकते हैं इसमें दो फरे थे, दो फरे में मैंने ऐसे कट करके बना लिया खाने, दो फरे में हम लोग मतलब एक लोग खा सकते हैं, इतने बड़े बड़े बनाए थे। तो आप देख ही सकते हैं कैसे बने, बहुत ही टेस्टी बने थे। तो आप सभी को कैसे लगे। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।